नमस्कार, मैं प्रज्ञा धर्द। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। सीएम की तबीयत खराब होने को लेकर एक दौर में उनके काफी करीबी रहे, वर्तमान में भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत खराब है, उनको कुछ हुआ भी है या फिर सिर्फ उनके साथ राजनीतिक साजिश चल रही है। नीतीश कुमार का हेल्थ बुलेटिन जारी होना चाहिए, जिससे पता चले कि उनकी स्थिति कैसी है। भारत में हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। साल 1971 से भारतीय नौसेना दिवस की शुरुआत हुई थी। वैसे तो भारतीय नौसेना की स्थापना 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की गई थी, लेकिन आजादी के बाद से भारतीय नौसेना ने लगातार नए कीर्तिमान स्थापित किए। भारतीय नौसेना दिवस की शुरुआत के पीछे भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध का एक किस्सा जुड़ा है। इस पूरे मिशन को ऑपरेशन ट्राइडेंट नाम दिया गया था। बिहार शिक्षा विभाग ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जयंती मौके पर हर साल बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को सम्मानित करने के लिए मेधा दिवस की शुरुआत की है। इस साल बिहार मेधा दिवस के मौके पर मैट्रिक और इंटर के टॉपर्स को सम्मानित किया गया। मेधा सूची में शामिल सभी स्टूडेंट्स को सम्मानित करने के लिए शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव के पाठक भी मौजूद थे, जिन्होंने ज्ञान भवन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर आयोजित मेधा दिवस के मौके पर 116 टॉपर्स को सम्मानित किया। दूसरी तिमाही के लिए आर्थिक विकास के जो आंकड़े आए हैं, उसने घरेलू व वैश्विक आर्थिक शोध एजेंसियों के अनुमानों को ध्वस्त कर दिया है। आरबीआई के गवर्नर ने कुछ दिन पहले दूसरी तिमाही में बेहतर प्रदर्शन की बात कही थी, लेकिन शायद उनको भी इस बात की उम्मीद न हो कि केंद्रीय बैंक के अनुमान 6.5% से 1.2% ज्यादा की विकास दर भारतीय इकोनॉमी लगाने वाली है। ऐसे में अब आरबीआई चालू वित्त वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था के विकास को लेकर क्या अनुमान लगाता है, इस पर सभी की नजर रहेगी। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने बीपीएससी 68वीं मुख्य परीक्षा 2023 का परिणाम घोषित कर दिया है। ये कंबाइंड कॉम्पिटेटिव मेन एग्जाम 12, 17 और 18 मई 2023 के दिन आयोजित किए गए थे। वे कैंडिडेट्स जो इस परीक्षा में शामिल हुए हैं, वो बिहार लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट का पता ये है, bpsc.bih.nic.in। बीपीएससी से 68वीं मुख्य परीक्षा में कुल 867 कैंडिडेट्स को पास घोषित किया गया है। मई 2022 से राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तेल कंपनियों ने आज सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल के रेट अपडेट किए। क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। गुड रिटर्न वेबसाइट के अनुसार क्रूड ऑयल की कीमत $75.67 प्रति बैरल है, वहीं WETI क्रूड $76.36 प्रति बैरल है। एक बैरल में लगभग 158 लीटर तेल होता है। कच्चे तेल को रिफाइन करने के बाद उसमें से पेट्रोल या डीजल निकाला जाता है। ऑटो में यात्री से लूटपाट और झांसा देकर जेवर ठगी की घटनाओं पर नकेल कसने के लिए रात में वाहनों की जांच के साथ ही अब पुलिस ऑटो यूनियन के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दे रही है। रविवार की रात कोतवाली डीएसपी के दफ्तर में 10 ऑटो यूनियन संघ के साथ हुई बैठक में निर्देश दिया गया है कि ऑटो पर चालक और मालिक का नाम और नंबर लिखा जाए, साथ ही ऑटो का नंबर भी स्पष्ट लिखा जाए। इंग्लैंड की टीम इन दिनों वेस्टइंडीज दौरे पर है, जहां 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है। इस मैच में तूफानी पारी खेलने के बाद कप्तान शाई होप ने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को लेकर एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले मेरी बात MS धोनी से हुई थी और उन्होंने मुझसे कहा था कि आप हमेशा क्रीज पर जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा समय बिताते हो और यह बात मुझ पर हावी हो गई। इससे पर कमाल के फॉर्म में थे और हमने जीत हासिल की। टीवी के पॉपुलर शो बिग बॉस 17 में इन दिनों अंकिता लोखंडे हर तरफ छाई हुई है। बीते एपिसोड में देखने को मिला कि अंकिता गार्डन एरिया में ईशा मालवीय और अभिषेक कुमार के साथ बैठी हुई थी, जहां एक्ट्रेस ने खुलासा करते हुए कहा कि एक बार सुशांत की डांस पार्टनर उसकी गोद में चढ़ गई थी, जिसे देख मुझे बहुत जलन हुई थी। मैं बहुत पॉजिटिव टाइप की लड़की हूं, मैंने सुशांत पर बहुत गुस्सा किया था। पहले मैं छोटी छोटी चीजों पर बहुत गुस्सा होती थी, हाँ, लेकिन अब नहीं होती। सीआईडी में फ्रेडरिक का रोल निभाकर फेमस हुए दिनेश फर्नांडिस की तबीयत ठीक नहीं है। बीते दिन खबरें आई थी कि उन्हें हार्ट अटैक आया है और वो वेंटिलेटर पर है। फैंस उनको जल्द सलामती की दुआ मांग रहे हैं। अब को एक्टर दयानंद शेट्टी ने दिनेश की तबीयत को लेकर अपडेट दिया है और हार्ट अटैक की खबरें को खारिज कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में उन्होंने कहा, दिनेश फर्नांडिस हॉस्पिटल में एडमिट है और वेंटिलेटर पर है। डॉक्टर उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन्हें हार्ट अटैक नहीं आया था, उनका किसी और चीज का इलाज हो रहा है। अभी मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूं। प्रो कबड्डी के 10वें सीजन की शुरुआत 2 दिसंबर 2023 से हो गई है और लीग का आखिरी मुकाबला 21 फरवरी 2024 को खेला जाएगा। इस सीजन में लीग स्टेज का आयोजन 12 अलग शहरों अहमदाबाद, बैंगलोर, पुणे, चेन्नई, नोएडा, मुंबई, जयपुर, हैदराबाद, पटना, दिल्ली, कोलकाता और पंचकुला में किया जाना है और सभी टीमें अपने घरेलू फैंस के सामने खेल पाएंगी। वीवी प्रो कबड्डी लीग 2023 सीजन 10 का लाइव आप स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर देख सकेंगे। इसके अलावा आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप डाउनलोड भी कर भी मैच का मजा ले सकेंगे।
रणदीप हुड्डा ने हाल ही में अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड लीन लेसराम संग मणिपुर के इम्फाल में मैतेई रश्मों से शादी की थी। लव बर्ड्स ने 29 नवंबर 2023 को एक ट्रेडिशनल वेडिंग फंक्शन में क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली की मौजूदगी में साथ फेरे लिए थे। अब ताजा मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रणदीप और लीन दिसंबर 2023 में सितारों से सजे वेडिंग रिसेप्शन होस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कपल के एक करीबी सूत्र से जानकारी मिली है कि दोनों 11 दिसंबर 2023 को एक रिसेप्शन पार्टी देंगे। सूत्र ने यह भी बताया कि रणदीप और लीन के परिवार के सदस्यों के अलावा वेडिंग रिसेप्शन में उनके इंडस्ट्री के दोस्त शामिल होंगे। 31 दिसंबर की तारीख वित्तीय कार्यों के लिहाज से बहुत अहम है। अगर आपके पास डीमैट या म्यूचुअल फंड अकाउंट है तो उसमें नॉमिनेशन की डेडलाइन 31 दिसंबर को खत्म हो रही है। ऐसे में आप दोनों ही खातों में आज ही नॉमिनी अपडेट कर ले। ऐसा नहीं करने पर आपके खाते को फ्रीज कर दिया जाएगा और आप किसी तरह का निवेश या ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने म्यूचुअल फंड और डीमैट खाताधारकों के लिए नॉमिनी दर्ज करने का समय सीमा 31 दिसंबर 2023 तक की है। बेरोजगारी की समस्या से अभी भी हमारा देश जूझ रहा है। किसी राज्य में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है तो किसी में कम, लेकिन लगभग हर स्टेट में यूथ नौकरी के लिए परेशान है। अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ है जिसमें पता चला है कि कुछ राज्य हैं जिनमें सबसे अधिक युवा बेरोजगार रहे। इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है हिमाचल प्रदेश। यहां के 15 से 29 साल के युवा में सबसे अधिक अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखा गया। इसके बाद लिस्ट में अगला नाम है राजस्थान का, तीसरे स्थान पर J&K यानी जम्मू कश्मीर का। व्हाट्सएप का इस्तेमाल आज भारत समेत दुनिया भर में किया जाता है। यूजर एक्सपीरियंस को और भी मजेदार बनाने के लिए कंपनी भी लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में अब कंपनी एक नए जबरदस्त फीचर पर काम कर रही है जो कनेक्टिविटी को और भी बेहतर बनाएगा। जल्दी प्लेटफॉर्म पर एक नया सर्च बार देखने को मिलेगा। इस फीचर के जरिए आप किसी को भी यूजर नेम का यूज करके सर्च कर सकते हैं। डब्ल्यू बीटा इन्फो द्वारा बताया गया है कि अपडेट का उद्देश्य पर्सनल फोन नंबर शेयर किए बिना किसी से भी कनेक्ट होने की सुविधा देना है। क्लैट परीक्षा के आंसर की जारी कर दी गई है। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ने आधिकारिक वेबसाइट कंसोर्टियम ऑफ nlus.ac.in पर क्लैट 2024 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। इस संबंध में जारी सूचना के अनुसार यूजी और पीजी परीक्षा के लिए उत्तर कुंजी उपलब्ध करा दी गई है। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट में शामिल होने वाले उम्मीदवार कल 5 दिसंबर 2023 तक परीक्षा के लिए ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के वैकेंसी निकाली है। जो उम्मीदवार इस भर्ती के लिए खुद को योग्य समझते हैं वे अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। MPPSC की ओर से जारी नोटिस के अनुसार हिंदी, अंग्रेजी और इतिहास समेत कई विषयों के लिए कुल 800 रिक्तियां हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर 2023 है। इस भर्ती का नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जारी किया गया है। इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया एक बार फिर शुरू की गई है। रिटेल फैशन चेन ट्रेंड की मार्केट कैपिटल शुक्रवार को 1 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गई। ट्रेंड 1,00,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली टाटा ग्रुप की 5वीं कंपनी बन गई। हालांकि सुबह के कारोबार में करीब 10 बजे ट्रेंड का शेयर 15.45 रुपए या 0.55 रुपए की गिरावट के साथ 2,789.50 रुपए पर है। इस भाव पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 99,223.66 लाख करोड़ रुपए है। मगर ट्रेंड के शेयर में सुबह तेजी थी और अब कंपनी की मार्केट कैपिटल 1.08 लाख करोड़ रुपए तक पहुंची थी। अमेरिका के प्रमुख अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने विश्लेषण में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी की जीत का हीरो बताया है। अखबार का कहना है कि 5 राज्यों में हुए चुनाव को भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी परीक्षा के रूप में देखा गया। नतीजों से साफ है कि भाजपा ने एक प्रमुख आबादी वाले क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बढ़ाया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि चुनाव परिणाम मुख्य विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए एक और झटका है। रुपया सोमवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 6 पैसे की बढ़त के साथ 83.27 पर पहुंच गया। घरेलू बाजारों में सकारात्मक रुख और विदेशी कोषों की आवक जारी रखने से भारतीय मुद्रा को बल मिला। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83.28 पर खुला, फिर 83.30 के निचले स्तर पर पहुंचने के बाद 83.27 के उच्च स्तर पर पहुंच गया जो पिछले बंद भाव से 6 पैसे की बढ़त है। IRCTC श्रद्धालुओं के लिए काशी विश्वनाथ से लेकर नेपाल के पशुपतिनाथ तक का टूर पैकेज लाया है। यह हवाई टूर पैकेज है और इसके जरिए श्रद्धालु भारत से नेपाल तक की यात्रा करेंगे। IRCTC के भारत से नेपाल टूर पैकेज की शुरुआत इसी महीने होगी। यह टूर पैकेज 25 दिसंबर को शुरू होगा और 29 दिसंबर को समाप्त होगा। इस टूर पैकेज के जरिए टूरिस्टों को वाराणसी से नेपाल ले जाया जाएगा। टूर पैकेज की शुरुआत काशी से होगी। यह टूर पैकेज 4 रात और 5 दिन का होगा। IRCTC के इस टूर पैकेज में टूरिस्टों को ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मिलेगा और उन्हें बढ़िया होटल में ठहराया जाएगा। भारतीय सड़क कांग्रेस के 82वें वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए गडकरी ने रविवार को वैकल्पिक सामग्री और नवीनतम तकनीक का उपयोग करके गुणवत्ता से समझौता किए बिना निर्माण लागत कम करने और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का आह्वान किया। भारत में सालाना 5 लाख दुर्घटनाएं और 1.5 लाख मौतें होती है और 3 लाख लोग घायल होते हैं। इससे देश की GDP को 3% का नुकसान हुआ। बलि के मेमने की तरह हर दुर्घटना के लिए ड्राइवर को दोषी ठहराया जाता है, लेकिन मेरे अनुभव के मुताबिक अक्सर सड़क इंजीनियरिंग में गलती होती है।
मोदी मैजिक के चलते चार राज्यों में से तीन में भारतीय जनता पार्टी की जीत से निवेशक भी गदगद है। चुनाव नतीजों का असर आज शेयर बाजार पर देखने को मिल रहा। बीएसई का सेंसेक्स अपना पिछला ऑल टाइम हाई 67,927.23 को तोड़कर एक नए शिखर 68,587.82 पर पहुंच गया, जबकि एनएसई के बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 ने भी इतिहास रच दिया है। बता दें कि हिंदी पट्टी में भगवा लहर के बाद विश्लेषकों ने कहा है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत और छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल को जुटलाते हुए जिस तरह से मोदी की गारंटी चली है उससे एनडीए का 2024 का चुनाव जीतने की संभावना प्रबल हो गई है। नथिंग फोन 2 को इस साल जुलाई में यूके ब्रांड के दूसरे स्मार्टफोन के रूप में लॉन्च किया गया था। अब लॉन्च के 6 महीने बाद कार्ल पे के नेतृत्व वाली कंपनी ने फोन की कीमत में बड़ी कटौती कर दी है। हैंडसेट का फ्लिपकार्ट पर अब 28 GB रैम और 128 GB स्टोरेज मॉडल 39,999 रुपए में लिस्टेड है। नथिंग फोन 2 स्नैपड्रैगन के 8 Gen 1 SoC पर चलता है और इसमें ग्लिक इंटरफेस है। फोन में ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें 50 MP का प्राइमरी सेंसर और 4,700 mAh की बैटरी मिलती है। भारत में नथिंग फोन 2 कीमत 10,000 रुपए कम कर दी गई है। आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड के जरिए ट्रेन की टिकट बुक कराने पर आपको डिस्काउंट मिल सकता है, क्योंकि आजकल विभिन्न कंपनियों के क्रेडिट कार्ड ट्रेन टिकट की बुकिंग पर डिस्काउंट की सुविधा दे रहे हैं। IRCTC HDFC क्रेडिट कार्ड के जरिए आपको ट्रेन की टिकट बुक करने पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल सकता है। आपको यह डिस्काउंट रिवॉर्ड पॉइंट्स के तौर पर मिल सकता है। अगर आप इस कार्ड के जरिए टिकट बुक करते हैं तो आपको 100 रुपए पर 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज के कारण लोगों का स्वास्थ्य खतरे में पड़ रहा है। समस्या से निपटने के लिए COP28 के दौरान वर्ल्ड बैंक ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का नाम है क्लाइमेट एंड हेल्थ कार्यक्रम। यह कार्यक्रम कम और मध्य आने वाले देशों में स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करेगा। इससे उन देशों के लोगों को जलवायु परिवर्तन से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों से बचाने में मदद मिलेगी। टेलीग्राम यूजर एक्सपीरियंस को और बेहतर और रीच बनाया जा सके। इस बीच कंपनी ने करीब 1 दर्जन नए फीचर्स ऐप में जोड़े हैं। अब आपका मैसेजिंग एक्सपीरियंस पहले से और बेहतर होने वाला है। नए अपडेट के तहत अब यूजर्स स्टोरी पोस्ट करते समय इसमें वीडियो मैसेज भी जोड़ सकते हैं। वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए आपको कैमरा बटन को प्रेस करना है और आप इसे स्क्रीन में कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोफाइल कलर चैट वॉलपेपर भी आप बदल सकते हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने कहा कि भारत सरकार मालदीव से अपने सैनिकों को वापस बुलाने के लिए राजी हो गई है। देश की राजधानी माले में मोइजू ने कहा, हमारे बीच हुई चर्चा में भारत सरकार भारतीय सैनिकों को हटाने के लिए मान गई है। अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर दुबई में चर्चा हुई थी। मोइजू ने दुबई में पीएम मोदी से मुलाकात की और भारतीय हेलीकॉप्टरों और विमानों को कैसे रखा जाए इस पर चर्चा की गई थी। सूत्र के मुताबिक एक कोर ग्रुप इस मामले को देखेगा और इस बात पर गौर करेगा कि इस मुद्दे को कैसे आगे बढ़ाया जाए। जिरोधा के स्टॉक ब्रेकिंग प्लेटफॉर्म पर फिर से दिक्कत आई है। कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी है कि हमारे कुछ ग्राहकों को काइट वेब पर लॉगिन करने में दिक्कत आ रही है। हम इस समस्या का हल निकालने की कोशिश में जुटे हैं। तब तक आप सभी से अपील करते हैं कि कृपया हमारे काइट मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करें। यह पहली बार नहीं है जब मशहूर स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी जिरोधा इस तरह की तकनीकी समस्या में फंस गई है। पिरामल समूह बैंकिंग क्षेत्र में एंट्री करने की तैयारी में है। समूह के चेयरमैन अजय पिरामल ने एक इंटरव्यू में सोर इशारा किया है। मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक उनका कहना है कि जब भी अवसर आएंगे हम उन पर गौर करेंगे। बताया जा रहा है कि ग्रुप IDBI बैंक लिमिटेड या फिर दूसरे सरकारी बैंक का अधिग्रहण कर सकती है। सरकार के पास IDBI की 49.24% हिस्सेदारी है। वहीं लाइफ इंश्योरेंस के पास बैंक की 49.23% हिस्सेदारी है। दोनों मिलाकर इसके 7.7% हिस्से को बेचने की योजना बना रहे हैं। हमारे द्वारा पूछे सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है ऋषिकेश तिवारी, मोहम्मद सकीर हुसैन, नौशद राजा, भीम कुमार, बाबूलाल मरांडी, मृदुल कुमार, नन्नू गोलू कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, भारतीय नौसेना दिवस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।